करिश्मा सिंह? मैडम सर, ये क्या हो रहा है? मैडम सर, इधर अपनी ही टीम का भरोसा टूट रहा है और उधर वकील माँ की धमकी। डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, चिंगारी गैंग, समझ में नहीं आ रहा है करे तो आखिर क्या करे। चारों तरफ से मुसीबतें आ ही रही है हमारे थाने पर। पुष्पा जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई भी सलूशन नजर ही नहीं आ रहा है। सच में इतना लाचार और बेबस आज से पहले कभी महसूस नहीं किया हमने। लेकिन अब जो कुछ भी हो, तरीका तो निकालना होगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। फोर्स चाहे हो या ना हो, हम खुद अकेले जाएंगे रंगरेज गली और उस लड़के को छुड़ा कर लेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर? आप वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप करिश्मा जी को साथ लेकर जाइए ना, इतना तो कर सकती है ना आप हमारे लिए। हाँ, लेकिन करिश्मा सिंह है कहाँ? काएगा माया कशी है, इकड़े इधर आ। अब वो तेरा सिर फिरा आशिक तेरा पीछा तो नहीं करता ना, तंग तो नहीं करता तेरे को? करेगा कैसे जीजी, मार मार के फिरकनी जो बनाई है मैंने उसकी। आज के बाद इसको तो क्या, किसी भी औरत ने देखेगा ना तो सबसे पहले उससे राखी बंधवाएगा, उसके बाद श्रद्धा से आशीर्वाद लेगा। उसकी अकल तो ठिकाने लग गई शिवानी जी, पर क्या, एक नई मुसीबत पीछे पड़ गई है। ऑफिस के नए बॉस ने जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो तब कपड़ों के अंदर झांकता रहता है, पूरे टाइम गंदी घिनौनी नजर से घूरता रहता है। आजकल तो आसपास भी होता है ना तो घिन आती है, कोई मौका नहीं छोड़ता है छूने का, छेड़ने का, फायदा उठाने का। अब तो ऐसा लगता है कि जो भी छोड़ दूं। उससे क्या होगा, वहां कोई और मिल जाएगा, वो भी यही करेगा। अरे ये मर्दों की नस्ल हर जगह है, सब जगह है, ये लोग अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले, कब तक भागती रहेगी? तो मैं और क्या करूं जीजी? देख माया, सबसे पहले तो तू मेरा ये काम कर। माचिस? घर में मंदिर तो होगा ना? है जीजी। हाँ तो जाकर मेरी तरफ से दिया जला दे। जरूर जीजी, पर उसके लिए आप ये मुझे माचिस क्यों दे रही हैं? माचिस मेरे पास है। तो फिर जलाती क्यों नहीं है? खुद जलाओ और दूर कर अपनी जिंदगी से अंधेरे को। देख माया, माचिस हर औरत के अंदर होती है, बस हम उसे जलाना भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये माचिस जलती है ना, उस दिन औरत की जिंदगी के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते हैं। देख माया, दूसरों के चिंगारियों से अपने घर की दिवाली नहीं मनाई जाती, उसके लिए अंगारे खुद लगाने पड़ते हैं। तुम सबको चिंगारी गैंग का मोहताज बनने की कोई जरूरत नहीं, खुद चिंगारी बनो और जाकर जलाकर खाक कर दो उन सभी को जिन्होंने तुम सबको कमजोर समझने की हिम्मत की। और तू, दोबारा तेरा वो बॉस अगर तुझे यहां वहां हाथ लगाएगा ना तो उखाड़ कर फेंक देना उसके हाथ को। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मी बगुनगे जिते कामी तिथे आमी। अब ऐसा ही होगा ताई, चलती हूँ। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मैडम सर, करिश्मा जी फोन नहीं उठा रही है। पुष्पा जी, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह अकेली ही गई हैं रंगरेज गली उस लड़के को छुड़ाने के लिए, और अगर ऐसा है ना तो वो बहुत खतरे में है। क्या किया इसने? आज ताईस का नाम एकता है, यो छिछोरा लड़का बल्ली चौक का शाहरुख खान,
इसने आते जाते तंग करे हैं, जिन्ना दुबर कर रखा है इस लड़की का इसने। आईपीसी धारा 354D, 3 साल की सीधी जेल और जुर्माना अलग, फिर भी पुलिस ने छोड़ दिया। क्यों? नाबालिग है, अबोध बालक, माइनर। ऊपर से अम्मा हाईकोर्ट की बड़ी वकील। मतलब जाहिर है कि जानती है। सेक्शन 10 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को चार्ज देना पड़ता है। जुर्म कोई भी हो, किसी भी स्थिति में किसी भी अंडर एज गुनेगार को जेल में नहीं डाल सकते। उम्र कम होने से गुनाह तो छोटा नहीं होता ना। लेकिन कानून तो ये नहीं समझती ना ताई, इसीलिए तो अपने को यहाँ पर बैठना पड़ता है, ना इंसाफी के दरारों की मरम्मत के लिए, सही न्याय के लिए, ये ऐसे अपराधियों को उनके किए का दंड देने के लिए। मैडम सर, हमने पता किया है, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। करिश्मा जी की फोन की लोकेशन रंगरेज गली ही दिखाई दे रहा है। क्या? मतलब वो अकेली अनुज को छुड़ाने गई है। ये सरासर खुदकुशी है पुष्पा जी, ये क्या किया आपने करिश्मा सिंह? शिव जी रक्षा करना, उन्हें सद्बुद्धि देना, आवेश में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। दिख नहीं रहा, सुनवाई चल रही है। सुनवाई चल रही है तो तेरा फोन क्यों चल रहा है? बंद कर। लगता है कोई इमरजेंसी है। नहीं, इमरजेंसी नहीं है, घर से फोन आ रहा है। वो बहुत देर हो गई, घर नहीं पहुंचे तो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, इसलिए फोन कर रहे हैं। सॉरी वो। अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, होता है और होना भी चाहिए। घर वाले हैं, चिंता होगी, स्वाभाविक है। चलो आओ, सबसे पहले तुम्हारा ये केस निपटाते हैं। जी। मैडम सर, आप कहाँ जा रही है? रंगरेज गली। हम करिश्मा सिंह का अकेले नहीं छोड़ सकते और उस लड़की अनुज को भी लेकर आना है। कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अकेले जाना होगा। ठीक है, फिर हम भी चलते हैं आपके साथ। पुष्पा जी नहीं, आप नहीं चल सकती, प्लीज, वो सेफ नहीं है। हम अकेले जाएंगे, आप यहाँ रहिए। मैडम सर, आप ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? सास, देखा आजकल की लड़कियों को, जरा जरा सी उम्र में सास की बीमारियां पाले बैठी है। रुक, मैं देती हूँ तुझे सांस की दवाई, मैंने खुद बनाई है। सांस की कोई भी परेशानी हो ना, जड़ से सब। रे अम्मा, वो सांस नहीं, सास बोल रही है, मदर इल्ला। जब देखो तब अपनी बनाई हुई दवाएं चिपका देती है। बोलो। सास, उसी सास की बात हो रही है, वो बहुत परेशान करती है मुझे, उल्टा सीधा बोलती है, गालियां देती है, बहुत मारती है। देखो कितना मारती है मुझे, देखो। अरे देवा, काफी ताजा घाव है। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था तो सब्जी काटने वाले चाकू से ही मुझे मार दिया। और ये बागड़ बिल्ला, ये बागड़ बिल्ला क्या कर रहा था वहां पे? थारा मर्द जब इसकी माँ तारे को मार रही थी, क्यों भाई? हाँ, बचा नहीं सकता था इसे? भाई हूँ मैं उसका, वो बहन है मेरी। इसकी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो, किस एंगल से हम इसके पति लग के आपको हैं? कैसे बोल रहे भाई? पति क्या बचाएगा, पति तो खुद सास के साथ मिलके मुझे इतना मारता है। कल रात को तो मेरा गला ही दबा दिया था। तो फिर तू रोकती क्यों नहीं है उसको ये सब करने से? मैं कैसे रोक सकती हूँ, वो मर्द है, हर चीज में मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसको मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? ऐसे तू इधर आ।
हमें डर है कि करिश्मा सिंह कहीं होश में जोश न खो बैठे। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं भूली अब तक। एसआई करिश्मा सिंह, हाथ छूते ही समझ गई थी कि ये हाथ घर में रोटी बेलने वाले नहीं, लॉकअप में मुजरिमों को पेलने वाले। ठोस, मजबूत, खुरदुरे, कठोर पुलिस के हाथ। बताया नहीं थारे को किसी ने? पुलिस वालों का आना वर्जित है यहाँ पर। यहाँ पर आने से पहले ना परमिशन लेनी पड़ती है हम लोगों की। हमें यहाँ आने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, इरादे का जरूरत है। और इस लड़के को यहाँ से ले जाने का हम इरादा बना चुके हैं और उसके लिए हमें किसी के परमिशन का जरूरत नहीं है। अब ठीक तो है ना? देखिए हम पहुंच गए हैं, हम रंगरेज गली के बाहर ही हैं, अंदर आ रहे हैं। नहीं आ सकती। कौन? वही जिसके जबड़े में से उसका शिकार छीनने आई हो, शिवानी ताई। और तू वही है ना, महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक, जज्बातों वाली बाई। करिश्मा सिंह कहाँ है? खुद ही देख लेना। लेकर आती हूँ मैं, चलो। हे शिव जी, मैडम सर और करिश्मा जी सिर्फ दोनों ही गए हैं मौत के मुंह में, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी कृपाओं का सुरक्षा कवच उन पर बनाए रखिए। चिंता मत कीजिए पुष्पा जी, भगवान भी हमेशा ना सही और सच का साथ देते हैं। हमको पूरा भरोसा है अपने शिव भगवान पर, वो हसीना मैडम को और करिश्मा मैडम को ना कुछ भी नहीं होने देंगे। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? देखिए मैडम सर उसे लाने ही गई है, वो बस आती हूँ। ठीक है फिर, देखती हूँ अब 15 मिनट में तुम्हारी हसीना मैडम क्या कर लेती है, क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और ये 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि अगले 16वें मिनट में तुम्हारा ये थाना यहाँ रहेगा या नहीं। करिश्मा सिंह, बिल्लू और उस लड़के अनुज को लेने आए हैं, उन्हें छोड़ दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। नहीं तो क्या करोगी मैडम? भौकाल दिखाओगी? पर वो तो यहाँ है हमारे कब्जे में। बात मान जाओ, हम कोई खून खराबा नहीं करना चाहते, वरना अगर हम अपने तरीके से इन्हें ले गए तो बहुत से बेगुनाहों की जान जा सकती है। चुपचाप उन्हें छोड़ दो, इसमें सबकी भलाई है। उसूलों की बात है हसीना मलिक, आज तक हमारी इस गली में ना ही किसी वर्दी वाले ने कदम रखा है और ना ही कभी रख पाएगा। लेकिन तू पहली बार इस चौखट पर आई है तो इतना तो लिहाज बनता ही है तेरा। रोक, हम आते हैं। पहली बार आई हो चिंगारी के दरवाजे पे मेहमान बनके, इसीलिए जाने दे रहे हैं।
अगली बार आओगी तो मेहमान बनकर ही आना, वर्दी में मत आना, वरना यहाँ के लोग सम्मान से शमशान पहुंचाना भी जानते हैं। ए, देख क्या रहा है, एक धागा तक नहीं डाल सके तुम सुई में? डाला था ना। अरे निकल गया था ना मगर। तो मेरी गलती है क्या? अरे अब बेकार में ही ना उन लोगों की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके घूम रहा है, निकल यहाँ से, चल चल रे बागड़ बिल्ले। आप लोग ठीक हैं? जी हाँ। शिवानी हमें ये लड़का भी चाहिए, ये एक वांटेड अक्यूज्ड है, इसे भी भेज दो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, लेकिन पहले शिवानी की अदालत में इसकी सुनवाई होनी दे। इस लड़की को अपने हिस्से का इंसाफ मिल जाए, इसने जो किया है उसको उसकी सजा मिल जाए, फिर लेकर जाए इसको जहाँ लेकर जाना है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। क्या कहो? सजा देना कानून का काम है, तुम होते कौन हो दखल अंदाजी देने वाले? दखल कहाँ दे रहे भाई, हम तो उसी का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया, अपना भी कुछ वैसा ही है, कानून हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग। कानून हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग, ताकि हम तुम्हारे कानून से उन नाउम्मीद लोगों को इंसाफ दिला पाए। जो चीख तुम्हारे कानून के कानों तक नहीं पहुंचती ना, उसे हम सुनते हैं। जो भाव तुम्हारे कानून के इंसाफ के मरहम तक नहीं पहुंचता ना, वहां पर हम अपने न्याय की औषधि लगाते हैं, उसे नासूर बनने से बचाते हैं। माना कि अनऑफिशियली सही, लेकिन काम तो हम कानून का ही कर रहे हैं ना। ये बड़ी बड़ी बेकार की फैंसी बातें करके तुमने जो किया है ना, तुम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। इंसाफ सूरज की रोशनी की तरह होता है, कोई ना कोई कोना अंधेरे में रह ही जाता है, ठीक उसी तरह कोई ना कोई इंसान इंसाफ से महरूम रह ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फरियादी हथियार उठा ले, कानून अपने हाथ में ले ले, अपनी मनमानी करे, अपने हिस्से का अंधेरा मिटाने के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दे। इस दर्द की पीड़ा का अनुमान तुम जैसी खोखली पुलिस वाली औरत कभी लगा ही नहीं सकती, जज्बातों वाली बाई जिसे अपनी वर्दी के ऊपर कभी कुछ दिखता ही नहीं। अरे तुमने तो अपने फर्ज के सामने कभी कुछ देखने जानने की कोशिश ही नहीं की। इस गांव की पीड़ा पूछनी हो तो इन औरतों से पूछो, हसीना मलिक जिनकी आत्मा आज तक इस गांव की पीड़ा झेल रही है। इस गांव का दर्द जानना चाहती हो तो इनकी खामोश चीखें सुनो, इनमें तुम्हें वो दर्द सुनाई देगा जो एक औरत होने के बावजूद आज तक तू नहीं सुन पाई। बहुत शौक था ना तुझे लड़कियों का पीछा करने का, अभी तेरे को दिखाती हूँ, आ जा। शिवानी हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम कानून से बच नहीं पाओगी, छोड़ दो उसे। क्या रे जज्बातों वाली बाई, कानून सिखाने वाले को कानून से ही डराती है। रे रुक ना, तमाशा तो देख, मैं कुछ नहीं करने वाली, अब जो भी करेंगी मेरी ये मुलगिया करेगी। जैसे तेरा कानून इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना, क्योंकि ये माइनर है नाबालिग है, तो देखते हैं कि अभी तेरा कानून इन लड़कियों का क्या बिगाड़ता है, क्योंकि ये भी तो माइनर है नाबालिग है। क्या कहो? Mm.
अब इस शहर के आसमान में जज्बातों की पतंग नहीं उड़ेगी, चिंगारियों के धमाके होंगे।